हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो देश का नंबर वन यूट्यूब चैनल डी फार्माइजेनो। फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसमें आपको न्यू सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पीसीआई से है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पास कराने की पूरी हिम्मत रखता है। तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे ही आपके सीनियर्स लोग पास हुए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर ऐसे ही दूसरा वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने फार्माकोलॉजी का, डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा और बहुत कुछ नया जानेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम के समय ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप पेज नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि ये फार्माकोलॉजी थ्योरी है, ये दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा कि दीदी आपने सब्जेक्ट तो दिखाया नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि यही सब्जेक्ट है। तो ये प्रूफ है आपके लिए, और आइए आगे देखते हैं। आइए गाइस देख लेते हैं, एक तरफ है आपका सिलेबस और एक तरफ है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया या इस वीडियो से वंचित रह गए, नहीं देख पाए, तो बहुत ही आपका लॉस होने वाला है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुंच गए बहुत ही प्रॉफिट में रहने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी है भाई साहब। देखिए फार्माकोलॉजी है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जो क्योंकि फार्माकोलॉजी ही डी फार्मा सेकेंड ईयर की क्या है, ताकत जान है, क्योंकि इसमें सभी दवाइयों के बारे में लिखा रहता है और फार्मासिस्ट को दवाइयों के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं लेसन टू से कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से क्वेश्चंस इस बुक में 2019 ईयर में काफी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए लाइव आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि दीदी क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये मिक्स बुक है, इस वजह से आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरीके से कि आपको कैसे लिखना है। और सबसे मेन बात कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस आया था, क्योंकि भैया 2019 का सॉल्यूशन पेपर है ये, जो क्वेश्चन पेपर दिया है ना बच्चों ने 2019 में जो पास आउट हुए हैं उन्हीं का पेपर है, ठीक है। तो इसमें से आइए देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इस टाइप का और भी सब्जेक्ट के, क्योंकि पांच सब्जेक्ट तो अभी बाकी रहेंगे ना आपके। तो देखिए यहाँ पे ड्रग एक्टिंग ऑन आ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जितनी भी दवाइयां हैं ये याद रखिएगा, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चार ऑप्शन दिए रहेंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा। आपको ये दवाइयां पूछा जा सकता है कि कौन सी दवाइयां इसमें यूज की जाती हैं पेरिफेरल में। ओके, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक एंड एंटी एड्रिनर्जिक, ये सारी दवाइयां। ओनली टू लेसन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी दवाइयां क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यूज की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इससे पूछा जाता है, ठीक। तो आपको याद रखना है, और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कोलिनर्जिक टॉपिक को इतने बार पूछा गया है, कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक, दोनों सिस्टर हैं या ब्रदर हैं जो भी आप मानो, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों जरूर आते हैं पेपर में। कहते हैं कि अगर भैया ये टॉपिक नहीं जाएगा तो हम पेपर नहीं बनाने देंगे तुम्हें, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 2019 में कहाँ पूछा गया है फटाफट से, और तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर ऐसे ही आपको वीडियो इम्पोर्टेंट चाहिए, क्योंकि आपके जो सीनियर्स बच्चे हैं ना वो ऐसे ही पास हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। कितने पेज में, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो ही पेज निकलवाए हैं, तीन पेज में पूरा सिलेबस ही कवर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने होंगे, बहुत। तो यहाँ पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य पे। देखिए एंटीकोलिनर्जिक आपको टॉपिक दिख रहा है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को काफी बार रिपीट किया गया है। इसमें से जितने भी बहुत सारे ऐसे मॉडर्न पेपर हैं जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2008 से
कितनी बार रिपीट किया गया है मैंने देखा खुद, पहले मैं चेक कर लिया कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तभी मैं बच्चों को बताऊं, ऐसे ना बचाऊं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के बारे में, ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं, इसका वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो भैया आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, आपको समझना चाहिए क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया है, और कोई है भी नहीं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा है, तो जो आपके लिए हेल्पफुल है कम से कम उसको तो सपोर्ट करो, और जो नहीं है उसके बाद आप लोग बहुत करोगे। अगर कोई सॉन्ग आएगा उसको सब बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाली बात थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंटीकोलिनर्जिक आज अपने होमवर्क में नोट कर लीजिए, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल से देखो या आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखो, बस इतना पढ़ जरूर लेना एंटीकोलिनर्जिक वाला टॉपिक सेकंड लेसन से, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक, और ये एड्रिनर्जिक वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बता रही हूँ, और ये मैस्थेनिया ग्रेविस, ये 2020 जब मैंने दिया था ना क्वेश्चन पेपर दिया था जब, तब ये मैस्थेनिया ग्रेविस पूछा गया था, और काफी बार पूछा गया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में पूछा गया था, मैं अपनी बात बता रही हूँ। और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर कहता है अगर ये टॉपिक ना जाएगा टीचर्स तो फिर मैं एग्जाम पेपर नहीं बनाऊं, क्योंकि इसके बारे में फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। तो आई होप आपको इन सारी टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या, आप पढ़ना क्या है ये भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कहीं भटक मत जाइएगा आप लोग। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और डोज कैसे क्या देनी है इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में खाली क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा के करिएगा। और आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है, बहुत ही मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भैया फंक्शन वाले घर में बहुत जोरों जोरों से तैयारियां चलती रहती हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दो भाई, अगर आप नहीं करोगे तो कौन आएगा देखने बताओ भाई, अगर आप स्टूडेंट हो जो जो जिनको जरूरत है वही लोग नहीं लाइक करेंगे तो कौन आएगा देखने, कोई गाना वाना वाला तो है नहीं कि सब यहाँ आ जाएंगे, सब लोग लाइक करेंगे, हंसेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।